एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक फिट एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में हूँ क्योंकि अभी मैं जस्ट स्कूल से आई हूँ और मुझे इस चीज़ का एकदम याद नहीं था कि आज लड्डू गोपाल की छट्टी है। तो अभी मैं जब घर आई तो उस बारे में जब डिस्कशन होने लगा तब मम्मी ने बताया कि आज लड्डू गोपाल की छट्टी है, नीचे भजन कीर्तन। तब मुझे याद है कि मुझे भी तो करना था, तो मैं बस अब फटाफट से बस जा रही हूँ मार्केट और जो भी सामान बस मुझे चाहिए मैं लूँगी और वापस आऊँगी, फिर सारी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर जो भी होगा सब आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे, तो ब्लॉग पे बने रहिए। तो यहाँ पे हम लोग मार्केट के लिए निकल चुके हैं और आज हम लोग दूसरे साइड से जा रहे थे। वेदर की बात करें तो वेदर जो है थोड़ा नॉर्मल सा ही था, धूप तो नहीं थी, लेकिन यार मार्केट में डस्ट बहुत ज़्यादा और मुझे डस्ट से काफ़ी ज़्यादा एलर्जी है। फिर हम लोग पहुँचे शॉप पे, वहाँ पे मैंने भैया से बोला कि कुछ अच्छा दिखाइए, तो जन्माष्टमी की वजह से इनके पास बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए थे। और भी शॉप है यहाँ पे, मैं जा सकती थी लेकिन टाइम नहीं होने की वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया। और ये कलर आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा सुंदर है, ये सब कलर मैंने अपने लल्ला को अभी तक नहीं पहनाया और वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी कि आज मैंने अपने लल्ला का नाम भी रखा है। तो हालांकि पहले ही रख देना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, अभी रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप भी अगर अपने लल्ला का नाम रखना चाहते हैं तो कुछ अच्छा सा नाम रख सकते हैं। फिर मैं गई फूल की शॉप पर जहाँ से मैंने माला फूल वगैरह लिया और गुलाब का माला लिया, क्योंकि लड्डू गोपाल को जो सुगंधित चीज़ें होती हैं ना जिसमें थोड़ी थोड़ी अच्छी वाली खुशबू होती है वो बहुत ज़्यादा पसंद होती है, मतलब वो इस सब चीज़ों से खुश होते हैं क्योंकि उनका ये बाल रूप है। और फिर उसके बाद फिर मैं गई दूसरी शॉप पे जहाँ से मैंने बहुत सारा सामान वगैरह लिया, और भी शॉप पे मैं गई थी जहाँ से मैंने बहुत सारे बिस्किट वगैरह टॉफ़ी वगैरह खाई, लेकिन मैंने क्लिप नहीं शूट किया क्योंकि मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था और पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर मैं घर आई, घर आके मैंने सबसे पहले नहाया, उसके बाद मैं खाने में लगी और खाना बनाते बनाते ही मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा, मतलब मैं जल गई एक एरिया पे। मैं इस टाइम पे तो काम की वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उसके साथ, लेकिन बहुत तेज़ जल रहा था इस वक्त पे भी। तो फिर भी मैंने सोचा छोड़ो सही हो जाएगा, लेकिन फिर मैंने जब लास्ट में देखा इस चीज़ को नया तो काफ़ी ज़्यादा निशान पड़ गया और जैसे कहते हैं ना वहाँ पर एक वो पस आ जाना उस टाइप का बन गया है। वो थोड़ा कुछ लगा वगा लूँगी सही हो जाएगा। एक्चुअली पानी नहीं डालना चाहिए था बट मैं काम कर रही थी तो इस वजह से, काम की वजह से पानी पड़ गया और वो निशान दे गया। फिर आज मैंने खाने में बनाया है, देखिए मेरी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं। ये इस थाली में मतलब मुझसे जितना हो पाया मैंने पूरी कोशिश की है, वो सब सामान उधर रखा हुआ है और यहाँ पर अभी मेरे लल्ला बैठे हुए हैं। अभी मैं इनको अच्छे से स्नान कराऊँगी और पूरा वीडियो जो होगा वो आप लोग साथ शेयर करूँगी, तो बने रहिएगा चैनल। हाय एवरीवन, तो देखा आप लोगों ने, मैं 3 बजे आज स्कूल से घर आई थी, घर पहुँचते पहुँचते 3:30 का टाइम हो गया था। घर पहुँची मतलब मुश्किल से 15 मिनट ही बस मुझे हुआ होगा, तो फिर मतलब मैं भूल गई थी एग्जैक्टली, फिर मुझे याद आया, मतलब वैसे मैंने आप लोगों को बताया बात में पता चला, तो फिर मैं भागी भागी फटाफट से मार्केट गई। वहाँ पर भी मैंने बहुत कुछ शूट नहीं किया, एक्चुअली बहुत कुछ मैंने शूट नहीं किया वहाँ पे। उसका रीज़न भी ये था कि सामान लेना था और फटाफट से बस लेके जल्दी जल्दी से घर आना था। तो मैं घर आ गई थी 5:30 बजे मैं आई थी और इस टाइम मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ। टाइम पे आप देखिए 7 भी पूरे तरीके से नहीं बजे हैं। मैं आई हूँ फटाफट से, मैंने नहाया के बाद मैंने फटाफट से किचन में जाके सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मेरा कढ़ी, चावल और सब्जी और खीर, पंचामृत और भी कुछ और थोड़ा मतलब वो जो तलने वलने वाला था वो सब कुछ मैंने कर लिया है। बस अब चलेंगे अपने लल्ला को रेडी, मतलब ये सारा चीज़ मैंने 45 मिनट में बस बना के फटाफट से रेडी किया है। आई होप कि अच्छा बना हो क्योंकि प्रसाद के नाम पे बना है, तो उम्मीद यही करते हैं कि बहुत अच्छा बना होगा। सबसे पहले लल्ला को भोग लगाएंगे, उसके बाद खुद भी खाएँगे। तो अभी नीचे भजन कीर्तन चल रहा, लेकिन मैं आज नहीं जा पाऊँगी क्योंकि मुझे यहाँ पर भी चीज़ें मैनेज करनी है और मम्मी गई हुई हैं। मम्मी ने बोला है कि मैं सबको अभी वापस से लेके आऊँगी, तब तक तुम सारी चीज़ें जो है वो रेडी कर लो, तो बस वही मैं कर रही हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें भी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपने लल्ला को रखा नीचे मतलब थाल में, और ये कांसे की थाली है मतलब पीतल की थाली है। उनका फटाफट से मैंने जो कपड़ा है वो चेंज किया और सबसे पहले मैंने उनको दूध से स्नान कराया। 5 चीज़ों से स्नान कराना चाहिए लड्डू गोपाल को। दूध के बाद फिर मैंने दही डाला। ये सब जो प्रोसेस होता है ना, पता है ये जो आप नहलाते हैं भगवान जी को, उसके बाद वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा आप सब ज़रूर खाइए। भगवान को जो नहलाया हुआ जो प्रसाद होता है ये एक बहुत ही अच्छा होता है, उसका कुछ जो है
पार्ट्स उसको अपने घर में थोड़ा थोड़ा इधर उधर छिड़क दीजिए, जिससे काफ़ी ज़्यादा घर में पॉजिटिविटी आती है और जो भी निगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर जाती है। फिर मैंने दही के बाद फिर मैंने अपने लल्ला को शहद से नहलाया। शहद के बाद आता है एक प्रोसेस जहाँ पे हमें देसी घी से भी, गाय के घी से लड्डू गोपाल को स्नान कराना चाहिए और अच्छे से मालिश करना चाहिए। मैं दोनों हाथ से मालिश इसलिए नहीं कर पा रही क्योंकि मैं साथ साथ वीडियो भी शूट कर रही थी और साथ साथ मैं ये कैमरा भी मैंने एक हाथ में पकड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने गंगा जल से उनको स्नान कराया और फिर मैंने अपने लल्ला को कितना सुंदर सा देखिए रेडी किया है। ये रहा उनका वस्त्र जो पहने हैं ये। अभी मैं जब जाऊंगी खाटू तब मैं वहाँ से लल्ला के लिए बहुत सुंदर से बाल ले, क्योंकि ऐसे बाल जो हैं ये यहाँ नहीं मिलते हैं, ये जब आए थे तब उनके साथ ही ये आया था। तो ये एक बहुत ही सुंदर है, लेकिन ये थोड़े थोड़े ना आपस में उलझ गए हैं अब रखने की वजह से। फिर देखिए मैंने ये जो माला मैं लेके आई थी फिर मैंने अपने लल्ला को वो पहनाया और अभी लास्ट में मैंने अपने लल्ला को काजल भी लगा, क्योंकि आज छट्टी है तो काजल लगाना तो बनता है। फिर सब लोग घर पे आए हुए थे और क्योंकि नीचे वैसे मैंने बताया कि मंदिर में था ये चीज़, फिर सब लोग घर पे आए थे तो वहाँ पे भी भजन कीर्तन वगैरह थोड़ा बहुत, इसमें मैंने खूब दिल खोल के जो है वो गाना वाना गाया था। और पहले के टाइम पे क्या था कि लोग डायरी वगैरह देख के गाना वाना गाया करते थे, फ़ोन नहीं था, लेकिन आज जो है वो फ़ोन से ही सारी चीज़ें सर्च हो जाती हैं और आप आराम से सॉन्ग वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब 5 से 7 गाने होते हैं कि ऐसा आपको करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर जो है वो भजन कीर्तन वगैरह जो था वो सब कंप्लीट हो गया था। फिर हम लोग आरती कर रहे थे। एक्चुअली लड्डू गोपाल की आरती दूसरी है और हम लोग जो है वो दूसरी आरती गा रहे थे, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी भी लड्डू गोपाल की आरती नहीं की, क्योंकि मैं हमेशा श्याम बाबा को ही उनमें देखती हूँ, तो मैं श्याम बाबा की ही आरती हमेशा गाती हूँ। मेरी दिली इच्छा है ये चीज़ कि मैं एक बार खाटू जाऊँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी उनका दर्शन ऐसे नहीं किया है, मैंने ऐसे ही उनको देखा है लेकिन मैं कभी गई नहीं हूँ। तो चलिए फिर उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, तो अब मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से एक नए वीडियो मिला, तब तक टेक केयर, बाय बाय।